बिग बॉस की 14 तारीख को फिनाले है, आज 12 तारीख है, तो सभी भाई सपोर्ट जरूर करें एलबी यादव भाई को जिनके पास है फॉर्च्यूनर लेजेंडर। हेलो भाइयों, अरुण पवार इंट्री आपका हार्दिक स्वागत कर रहा है। अभी इंट्री वाला अरुण पवार डोल रहा है भाई FBD में, समझते हो FBD, जो भाई समझ गए लाइक करें। FBD मतलब होता है भाई फरीदाबाद। क्या सोच के रखा होगा नाम इसका फरीदाबाद, कुछ आप यहाँ के जैसे रहने वाले हो, मूल आप यहीं के हो, फरीदाबाद ही क्यों रखा नाम इसका, कुछ सरीताबाद सरीवाद कुछ रख सकते थे, कुछ और भी, शनिवार वाह फरीदाबाद, कुछ तो इसकी हिस्ट्री रही होगी ना, जैसे गाजियाबाद, जैसे गुड़गांव का मैं बताता हूँ, गुड़गांव का एक लोज वो है, गुड़गांव पहले गुरुओं का गुरुकुल टाइप होता था, बहुत मतलब मंदे टाइम में वो बच्चे बच्चे पढ़ते थे गुरुकुल वगैरह, तो उसका ऐसे नाम था कि गुरुओं का स्थान, इसलिए उसका नाम गुड़गांव रख दिया। फिर जब खट्टर सरकार आई BJP तो उसका नाम बदल के गुरुग्राम रख दिया, गांव था पहले पूरा गुड़गांव, अब तो खैर अलग ही दिशा बदल गई। तो अब आप क्या रहते हो फिर यहाँ पे, जब आपको ये नहीं पता, जैसे जो मेरा ओपिनियन है वैसे गलत भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है कि जैसे यहाँ पे फैक्ट्री बहुत है तो फरीदाबाद। तो भाई ये छोड़ो, आज मैं फरीदाबाद आया था किसी काम से, और ये बुआ का भी हमारे साथ है, और मित्रोल बढ़िया भाई बढ़िया। तुम्हारे गांव का नाम मित्रोल क्यों रखा भाई? मेरा नाम मित्रोल वहा तेर, तू एक बात और बता यार अतुल भाई, तुम्हारे गांव को रहटा खावा ऐसे क्यों बोलते हैं? तुम्हारे गांव बेस बेस्ती क्या करो और कुछ नहीं, तेरे को बस ये काम है। बता तो सही भाई। भाई हमारे गांव में रहटा के पेड़ ज्यादा होते थे, इस वजह से रहटा खावा बोलते हैं, और क्या। हाँ भाई ऑफेंड तो रहटा के पेड़ कौन से होते हैं भाई, वो थोड़ा बताओगे? अरे जो रहटा होते है ना। क्या होता है वो ही तो पूछ रहे हैं। अरे रहटा वो नहीं होता जो पहले बच्चे किताबों पे चिपकाया करते थे, चिपक जाता था वो। चिपकता था जो। तो तुम लोग खाते थे उसको? कभी कभी खा भी लेते थे, उस वजह से कहते थे। तो भाई फिलहाल हम अभी गाड़ी में बैठ के इसकी ये सिलेरी, अरे तू बेच रहा था इसको, बिकी नहीं क्या? अरे बेचेंगे भाई, जाट कितना बढ़िया क्रिएटिव लिखवा रखा भाई ने, बीच में AK-47 ऐसे गीत कह रहा हूँ मैं तो। हमने मेरे वालों कैसे लग रहा हो? बढ़िया लग रहा है, क्रिएटिविटी दिमाग मेरा कितना ना इन्फिनिटी वाला, ऐसे करवा के फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसे किसी का लिखा हुआ, पर बढ़िया लग रहा है भाई। क्या कह रहे, माइंड का कह रहा हूँ, क्रिएटिविटी नहीं इन्फिनिटी। तो भाई अब मैं ना अपनी गाड़ी की इसकी RC लेने जा रहा हूँ, पहली बार किसी गाड़ी की RC पे मेरा खुद का नाम है अरुण पवार। तो आज वो भाई जिन्होंने करवाया था वो टोल पे आ रहे हैं, गदबुरी टोल पड़ता है, तो वहाँ से मैं फरीदाबाद में ही था, तो फटाफट पिक कर लेता हूँ यार, पलवल पता नहीं कब जाए ना जाए, तो भरोसा नहीं है, RC रहना अपने पास जरूरी है। तो भाई इस सी क्लास में से उतरते हैं, अपने भाई से मिलते हैं यहाँ पे। अरे ये तो दोनों सेम सी रंग की हो गई। और ब्रो सुनाओ, बस बहुत बढ़िया भाई, कितना एक खर्चा करवा दिया ट्रांसफर ओनरशिप में? 4500 रुपये आया खर्चा। 4500 रुपये? हाँ जी। अच्छा चलो, अच्छा इसमें ये रही भाई हमारी RC, दिखाना भाई खोल के एक बार, एड्रेस उड्रेस छुपा दो एक बार, AC नंबर लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देख रहे हो भाई अरुण पवार नाम, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई का। यार ये UP की RC कितनी बड़ी होती है यार, पूरा देखना मार्कशीट जैसी 10वीं 12वीं की, वो हमारे यहाँ की सही है, इतनी सी RC होती है जैसे ATM कार्ड की तरह। ये भाई की स्विफ्ट अलॉय वलॉय लगवा के मस्त, अलॉय बढ़िया रहते हैं बाहर के भाई, LXi में प्लेन आते हैं, वो नॉर्मल सी लगती है गाड़ी, थोड़ी अलॉय में मॉडिफिकेशन हो जाती है ये थोड़ी। और यार होता है यार पलवल के, चार 30 नंबर वो होना चाहिए, चार DL कैसे? ये सेकंड ओनर मिल गई थी मेरे को, 2 दिन चली हुई, तो इसलिए मैंने ले ली। कितने की? कितने रुपए का? 1.25 लाख सस्ती मिल गई थी। 1.25 लाख, वाह क्या बात है भाई। देखो सेकंड हैंड गाड़ियों में फायदा तो उसकी, दहेज में मिली थी क्या किसी को? शादी में मिलती है ना तो वो लोग बेच देते हैं सस्ते में, फिर कोई नई ले आते हैं या कुछ भी कर लेते हैं पैसे का, तो ऐसा सिस्टम चलता है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ये परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश का भी हमको अपनी RC में मिल चुकी है, ऑल थैंक्स टू कुणाल भाई, IT रिलेटेड कामों के लिए भाई को संपर्क करें पलवल हरियाणा में। ये भाई भी नहीं हो कह रहे, अरे अरुण भाई यू RC कैसी मार्कशीट जैसी, तो भाई आ गए थे ये टोल पे गदपुरी वाले पे, पीछे दिख रहा है इनका तो पास बना हुआ है, तो अपना
ये फ्री में क्रॉस हो जाते हैं, हम बार थोड़े गरीब आदमी हैं तो यार कैसी मार्कशीट इसको रखने में भी इतना वो चाहिए, इनको भी एक स्मार्ट कार्ड से निकाल देना चाहिए यार। इस पे भाई ने ये अलग से वो और करवाई है, क्या बोलते हैं, लेमिनेशन। बाकी भाई देखा यूपी में भाई 4500 रुपये में अपना ट्रांसफरशिप हो गई। क्या होता है ना अगर वहाँ के जैसे हमारे जानकार जो हैं उनका हम केयर ऑफ में डलवा के नाम ट्रांसफर हो जाता है, अब मैं अपने हरियाणा में इसको वो करवाता ट्रांसफर, तो जो वैल्यू आज होती गाड़ी की वो वहाँ पे अपनी वो होती तो 2.25 लाख रुपये का खर्चा आ जाता, मतलब दोबारा से हरियाणा में हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता अगर गाड़ी का। तो इससे अच्छा अब यूपी टू यूपी रहने देते हैं, फिर BBS4 जो है Euro 3 ये ट्रांसफ़र भी नहीं होती। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो भाई भी यहाँ से पलवल टू यहाँ फरीदाबाद जाते हैं तो सीगरी से आगे जो एक पुल पड़ता है यहाँ पे बहुत आराम से चलाया करो भाई, कैली पुल से पहले यहाँ पे आगे इंटरसेप्टर खड़ी रहती है, देखो खड़े भी हैं, हाँ खड़े भी लगे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, मेरे साथ आप जुड़े रहें जिससे आपका भला हो। सोचा मैं रोक कल्याण, हमें तो ना रोकेंगे, हम तो आराम 60 पे चल रहे हैं, 80 किलोमीटर है वो भी गए का यही रहते हैं छाया के नीचे। हाँ तो यहाँ पे खड़े रहते हैं भाई ये छाया में, अब तो पता नहीं कहाँ गए, हो गया होगा कोटा पूरा आज का। तो भाई यहाँ एक बहुत फेमस सोनू चूर चूर ना आ रहा, तो हम ये खाने के लिए आ गए यहाँ पे। अच्छा देखते टेस्ट कैसा है, कुर्सी बैठने का सिस्टम नहीं भाई, बता रहे अच्छा है ना, काफी अच्छा है, भीड़ काफी रहती है भाई। अब चार चूर चूर नान तो खा लिए उसके, बढ़िया तो रहते हैं यार नो डाउट, इतनी भीड़ हुआ रहता है उस पे, पर थोड़ी सर्विस अब गंदी होगी यार यश। हाँ भाई मतलब ऐसे भाव ही ना था, मैं कहीं फ्री में खाना है, प्लेट लेके आओ, सब्जी एक्स्ट्रा लेनी है, पैसा कितने आएंगे कुछ ना भरोसा ऐसा रहे। अब यहाँ मैं बेचारी, हमने तो चलो अपने पेट में डाल लिया कुछ, इसको और थोड़ा अन्न पानी पिला देते हैं, इसका अन्न पानी है पेट्रोल, क्या माइलेज दे देती है ये, दे देती होगी 17 के आसपास है आजकल। वैसे भी हमें सुनने में आ रहा है 2027 के बाद से अब यार डीजल गाड़ियों को बैन ही कर देंगे, तो फ्यूचर अपना यही रहेगा पेट्रोल हाइब्रिड पेट्रोल इलेक्ट्रिक, बस ये है फ्यूचर। अब सुनने में आ रही 2024 के बाद रजिस्टर ही नहीं होंगे नहीं 2000 डीजल व्हीकल, ले ले भाई अभी इसको बेच के एक डीजल गाड़ी बेस्ट है, पर उसका क्या फायदा होगा अगर मान लो 2027 में ये रूल आ गया कि तुम डीजल गाड़ी दिल्ली लेके नहीं आ सकते, कुछ भी कर सकते सरकार, ये भी हो सकता है जारी हो जाए, अगर हो जाए तो मेरी इस वीडियो को मार्क कर लेना भाई, अभी 2023 में मैं 15 अगस्त के आसपास ही बात कह रहा हूँ, 9 अगस्त टू बी अप्रोप्रिएट, तो पर 2027 तक हो सकता है डीजल गाड़ियाँ दिल्ली में बैन कर दी जाए, ना घुसने दिया जाए भाई। 600 रुपये का जैसे हम तेल डलवा रहे हैं ठीक है, अच्छा इधर है इसका, तो तुझे उधर रुकना, अब ये कह रहा देखो 600 रुपया में टंकी कितनी बढ़ जाएगी, मतलब कितने डॉट आ जाएंगे, तो चले एक भी ना आया होता तो यू क्लिप काटनी पड़ती। 600 रुपया का आ गया 6.15 लीटर, ये कितने डंडा, दो ही तो आए हैं, को लवाबाजी दे रहा है, तीसरा आएगा भाई, लेट चल चढ़ दिए सुई, हाँ तो तीन आएंगे, मतलब आएंगे तीन तो वेट है। 610 रुपया और तेरे पर्सन उन्होंने उड़ देते नहीं, वो तो किसी जैसे गरीब लोग होते ना उनके लिए। अभी भाई मैं इसकी गाड़ी में बैठा था सिलेरियो में, ये तो पता नहीं कहाँ अपने दोस्त यारों के साथ बिजी सा है भाई, इसकी गाड़ी में ना हम ऐसे ग्लब खोलिए फोन के डिब्बा रखा है, अब एक आपको मैजिक दिखाने वाले हैं हम लोग, दिल थाम के बैठना तो हाँ खोल, ये देख रहे हो सिलेरियो वाले भाई, देखना आप कभी लग रहा हो कि सिलेरियो है, ये देखना भाई साहब, भाई ये क्या है, हमें तो इस बात का जवाब दे, क्या ये क्या है, क्या दिखाइयो ये क्या है दिखाइयो और ये कहाँ आ गया, मैं मुंह ना पता, देख फुल भर रहा है, दिखाइए खोलियो भाई, ठीक यार कैसी कैसी जगह दुकान, ये तो ना है कहीं मैं कभी भूल गया उधर के काश मेरे हो यार, लेकिन ये जगह सेफ थोड़ी है ब्रो, अरे वो रख दिए होंगे यार, पैसा जब ज्यादा रहता है तो ऐसी ऐसी जगह पे छुपाना पड़ता है, तो सिलेरियो में छुपाते फॉर्च्यूनर में छुपाते। फिलहाल में आके भाई घर पे सारा काम वाम निपटा के जिस काम के लिए फरीदाबाद गए थे, बाकी भाई अब आपको पता होगा ये बिग बॉस की 14 तारीख को फिनाले है, आज 12 तारीख है, तो सभी भाई सपोर्ट जरूर करें एलबी यादव भाई को, जो जिनके पास है फॉर्च्यूनर लेजेंडर 50 लाख रुपए की, दिक्कत ये उसमें 4x2 है, पर जैसे हमने भाई का रिव्यू बनाया तो उन्होंने बताया तो उनको ज़रूरत ही नहीं होती कहीं 4x4 की, लेकिन 0001 है, तो एलविश भाई को ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट करें और वोट करें। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा भाई, हरियाणा को तो मेरे को देखो पता नहीं क्योंकि मैंने कभी सेकेंड हैंड गाड़ी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करवाई, लेकिन यूपी में मात्र 4500 रुपये में अगर आपको एजेंट विजेंट से करवा देते हैं, ये तो अपने भाई थे,
कोई मतलब ज़्यादा तो 5-1 हज़ार रुपये लग जाएंगे, पर अच्छा है यार ट्रांसफ़र करवाने में कोई टेंशन नहीं, सरदर्दी नहीं। और यूपी सरकार इतनी अच्छी है जो 2021 से पहले के चलान थे शायद ओवर स्पीडिंग वगैरह के, वो भी माफ़ है, कुछ माफ़ कर दिए थे ऐसे कुछ है। तो ये पूरा खर्चा आया भाई पूरे ट्रांसफ़र वगैरह में, रजिस्ट्रेशन करवाता अगर मैं यहाँ पे हरियाणा में ला के, कहाँ इतना मेरे को दोबारा टैक्स वैक्स कटवा के 2 लाख का वो होता, पर वो अच्छा रहता कि HR नंबर हो जाता, पर चलो यूपी 16 और HR में कितना ही फ़र्क है, नंबर देखते हैं लोग। जैसे एल्विस भाई का 0001 बहुत अच्छा है, अब सेकंड एंड ऑफ क्या कर सकते हैं, इंडेवर नहीं आई नहीं रही, अगर आ रही होती ना नई इंडेवर 3.2 पक्का नहीं देखते, फिर तो अपनी चॉइस का नंबर लेते। चलो भाई वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, और वोट ज़रूर करें भाई को जाके। ओके भाई मैंने तो कर दिया है सभी, काफ़ी सारे फ़ोन से जितने भी घर में फ़ोन है सबसे वोट करो भाई को और जितवाओ बिग बॉस ट्रॉफी इन दिल्ली NCR HR 26। बाय।